भोजपुरी फिल्म रंगीला के सेट पर वैसे तो खूब मस्ती का माहौल नजर आ रहा था, लेकिन इसी बीच एक ऐसा करेक्टर था जिसे अपनी मस्ती से सबको लोटपोट कर दिया। बता दें ये एक्टर फिल्म में नारद भगवान बने हुए हैं, उन्होंने सबको खूब हंसाया। नारायण नारायण। संजय जी ऐसा है कि नहीं नहीं ये तपस्या का मुद्रा नहीं है, मैं तो मुझे तो नारद का कैरेक्टर दे दिया गया है नारायण नारायण, और मैं सोच रहा हूँ इस बार अपना संजय भूषण जी को अपने नारद बन के मैं जितनी भी समस्याएं इस साल हुई हैं 2016 में वो सबको अच्छे से 2017 जब आए तो खुशी उल्लास प्रेम लेके आए। मेरा भाई संजय भूषण हमेशा तरक्की करे और तरक्की करता रहे। रंगीला देखिए, रंगीला हम लोग नहीं हैं, रंगीला भगवान कहीं रंगीला होते हैं। अरे रंगीला तो मेरा हीरो है जो चिंटू कर रहा है, वो रंगीला हीरो है। हम मैं तो नारद हूँ नारायण नारायण, बस उनको थोड़ा सा नारायण नारायण आगे नहीं बोलूँगा नारायण नारायण। चिंटू बहुत अच्छा लगता है, बहुत टैलेंटेड है और बहुत आगे जाएगा, क्योंकि उसका काम करने का ढंग, उसका मेहनत और उसका लगन इतना बढ़िया है संजय जी कि मतलब मैं क्या बताऊँ। नारायण नारायण बहुत बढ़िया, नारायण नारायण। नहीं मस्ती तो थोड़ा करता है, बच्चा है तो थोड़ा सा मस्ती तो करेगा ही। मैं हूँ, टाइगर साहब हैं, हमारे फूल भैया हैं, फूल सिंह जी, तो सब लोगों के साथ थोड़ा वो थोड़ा बच्चा है तो बच्चे वाला व्यवहार करके समझ रहे हैं ना। नारायण 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 नो कमेंट नारायण नारायण। दो हजार सोलह अच्छे से गुजर रहा है, गुजरने दीजिए नारायण नारायण, और अगला साल जो आ रहा है उसमें भी नारायण नारायण। हाँ बहुत बढ़िया डायरेक्शन दिया उन्होंने, और मैं उनके साथ ये तीसरी फिल्म कर रहा हूँ एज ए आर्टिस्ट, और पहली बार मैं मैथो कैरेक्टर में हूँ, नारद के कैरेक्टर में हूँ। बस कॉमेडी पर उन्होंने विश्वास किया, इस नारद के कैरेक्टर के लिए मुझे चुना, तो मैं चाह रहा हूँ कि हर संभव जितना अच्छा से अच्छा हो मैं अदा करूँ अपने कैरेक्टर को। संजय भाई कॉमेडी में तो मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ, इतना मज़ा आता है करने में कि मुझे लगता है कि मैं हमेशा हंसाता रहूँ भगवान की कृपा से हर किसी को। 2016 में भी हंसाऊँ, 17 में भी हंसाऊँ, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 2000 ख़त्म ना हो तब तक हंसाता रहूँ जब तक जिंदा रहूँ, और इतना मज़ा आता है संजय भूषण जी कि मैं चाहता हूँ कि बस इस कैरेक्टर को जी लूँ, पब्लिक इन्जॉय कर ले और बस आप लोग का प्यार मिलता रहे। न्यू ईयर में कुछ मेरे अजीज मित्र हैं जिसमें हमारे बिहार से संजय भूषण पटियाला जी पीआरओ हैं, उनके साथ इस बार ब्लास्ट करने का इरादा है। 4 साल से उनके साथ मैं नहीं मतलब एंजॉय कर पाया 31st करने, तो इस बार हंगामा होगा नारायण नारायण स्टाइल में। अभी सब कहला पूछ रहे नारायण नारायण। नो कमेंट्स नारायण नारायण। हाँ मेरी एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है एक प्राइवेट चैनल के सीरियल्स में, और उससे मुझे काफ़ी उम्मीद है। हमारे बिहार की कहानी है और बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है उनका। चैनल का नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने उनके द्वारा मना किया गया है, और बहुत जल्द सारे दर्शक हमारे एक हिंदी चैनल्स में मुझे हिंदी सीरियल्स में देखेंगे जो बहुत ही अच्छा है और बहुत इन्जॉय करेंगे। इसमें नारायण नारायण नहीं बोलूँगा। बिहार में तो कहीं तकलीफ है ही नहीं। नहीं नहीं लाइन में तो 2000 का नोट देखने के लिए वो सब तकलीफ नहीं है भाई, बिहार है, बिहार में बाहर है, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। अब बचा हुआ अकलौता मटरू सिंह है और कुछ नहीं है। हाँ ये बहुत बढ़िया बात बोला आपने, बॉलीवुड में मेरे एक रोल मॉडल हैं थे, उनको मेरी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि, हमारे महमूद साहब, और मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। बस उनका 1% भी मेरे अंदर आ जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। मतलब एज ए हीरो पूछ रहे हैं,
देखिए हमारे इंडस्ट्री के, भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी प्यारे हीरो हैं, चाहे वो चिंटू जी हो, पवन सिंह हो, खेसारी भाई हो, दिनेश लाल यादव जी हो, रवि किशन जी हो, मनोज तिवारी भैया जी हो, इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया है ना भोजपुरी के लिए ब्रदर, कि अगर वो नहीं रहते तो शायद हम लोग भी नहीं होते। तो उन लोगों को भुलाया नहीं जा सकता और सब प्रिय है मेरे लिए, हर कोई प्रिय है, सब लोग का प्यार आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे और बस भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसे ही चलती रहे और आप लोगों का सहयोग ऐसा ही मिलता रहे। धन्यवाद सभी दर्शकों को मेरा, नारायण नारायण। नेक्स्ट नाइन न्यूज के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।